हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शुभ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही खास प्रोडक्ट लेकर आया हूं। बेसिकली दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आते हैं वो आते हैं यहां पे श्योर की तरफ से, और ये जो प्रोडक्ट है आपके सामने ये तो जाने माने है ही, यानी नाम से काफी फेमस है, बस श्योर का नाम ही काफी है यहाँ पे माइक्रोफोन के अंदर। और यहाँ पे ये चार मॉडल है जो की इंडिया और क्या यहाँ पे ओवरऑल वर्ल्ड में फेमस है ये चार सीरीज, तो इनके आज अनबॉक्सिंग देखेंगे क्या है इसकी क्वालिटी चेक करके भी देखेंगे। यहाँ पे टेस्टिंग में आपको बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ कहाँ से अवेलेबल होगा, ओरिजिनल कहाँ से अवेलेबल होगा, वो सारी डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो काफी अच्छी होने लगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला मॉडल देखने को मिल जाता है जो कि आता है यहाँ पे SV100। बेसिकली दोस्तों आपको सबको ही पता है ये मल्टीपर्पज माइक है, चाहे आप सिंगिंग, चाहे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, चाहे आप कहीं पे भी इसको यूज करें तो ये सारे में वर्क करने वाला है। इसके साथ सबसे अच्छी बात जो रहती है वो आती है यहाँ पे 15 फिट की XLR वायर, यानी XLR टू XLR वायर आपको फ्री मिल जाती है, वो श्योर की तरफ से होती है, यानी कंपनी की ही वायर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये श्योर की आपको ब्रांडिंग दे रखी है, साथ ही यहाँ पे भी SV100 इसका मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे कुछ डिटेलिंग लिख रखी है कि कहाँ से मेड हुआ है और यहाँ पे क्या प्राइस है। लेकिन ये दोस्तों MRP प्राइस है, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस आपको पता लगेगी लास्ट में वीडियो के, तो यहाँ पे बने रहेगा। SV100X मॉडल नंबर इसका है, मल्टीपर्पज माइक आता है। फटाफट से इसका जो कवर है मेन कवर ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और ये अंदर एक बॉक्स देखने को मिल जाता है आपको, सिंपल सी यहाँ पे बॉक्स पैकिंग है। और यहाँ पे SAI यानी शाह ऑडियो इन्फोटेक की तरफ से आते हैं ये प्रोडक्ट, यानी इंडिया के जो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं श्योर में वो शाह ऑडियो इन्फोटेक है। तो देख सकते हैं फटाफट से यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक पन्नी में, यानी एक जो पॉलीथीन है यहाँ पे ये रबड़ वाली, ये जो ये गुब्बारे वाली होती है ना, इसके अंदर आपको कवर अप देखने को मिलता है। बाय चांस अगर गिर भी जाती है पैकिंग के साथ तो यहाँ पे माइक्रोफोन पे कोई भी डैमेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे श्योर की ब्रांडिंग SV100, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन आपको देखने को मिल जाता है, ये स्टिकर देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनलिटी की पहचान देता है यहाँ पे कि श्योर जो है वो ओरिजिनल माइक आपके पास है ये वाला। तो ये जो श्योर है यहाँ पे ये नाम गुदा हुआ है CNC से, और ये इसकी जो ऊपर का हेड है वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये नीचे के पिन की टॉप है, यहाँ पे आप XLR इनपुट कर सकते हैं। और साथ ही चलते हैं और क्या हमें बॉक्स में कंटेंट में हमें देखने को मिलता है। तो ये एक वायर आती है जो कि XLR, और ये वाली वायर की आप क्वालिटी देख सकते हैं, तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप की क्वालिटी है, तो काफ़ी हैवी क्वालिटी है यहाँ पे, मैं काफ़ी मजबूत क्वालिटी, अगेन ये श्योर की तरफ से आता है तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ पे क्वालिटी। यहाँ पे कुछ आपको पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं, और चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले मॉडल को भी अनबॉक्स। हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है वो आता है यहाँ पे PGA 58। ये भी वर्ल्ड वाइड फेमस है, चाहे आप इंडिया कह लीजिए चाहे ओवरऑल वर्ल्ड में कह लीजिए, कार्डियो डायनेमिक माइक्रोफोन इसे हम कहते हैं, वोकल के काम आता है। यहाँ पे श्योर की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है PGA 58, यहाँ पे आपको मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे ये भी ये मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है। अगेन ये कुछ इस टाइप की बॉक्स पैकिंग के साथ आता है, यहाँ पे मॉडल नंबर है, इस साइड आप देख सकते हैं कुछ MRP टाइप लिख रखी है। फटाफट से यहाँ से हम इसका कवर हटा लेते हैं, और ये आपको देखिए ये स्टिकर देखने को मिलता है साई का, यानी SAI शाह ऑडियो इन्फोटेक का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑल ओवर इंडिया ये श्योर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यहाँ पे फिर से आपको एक बबल रैपिंग में आपको ये माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस टाइप की क्वालिटी में फुल ब्लैक में हमको देखने को मिल जाता है। श्योर की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, इस साइड भी यहाँ पे आपको ये श्योर की ब्रांडिंग के साथ देखने को मिल जाता है। और ये जो मैंने स्टिकर आपको बताया, यानी ये जो आप छोटा सा स्टिकर देख सकते हैं चमकीला वाला, ये ओरिजिनलिटी की पहचान देता है कि ये माइक्रोफोन ओरिजिनल श्योर का है। और साथ ही आपको इसके अंदर एक स्टिकर देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने कैबिनेट या फिर आप जो फ्लाइट केस उस पर लगा सकते हैं। साथ ही आपको ये जो माइक होल्डर है वो भी देखने को मिल जाता है, तो क्वालिटी एक नंबर है क्योंकि ये श्योर की तरफ से आता है। कुछ पेपर वर्क्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे पेपर वर्क्स है, एक कैरी बैग भी देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। चलते हैं आगे की और हम अनबॉक्सिंग। हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है वो भी श्योर का SM57 है। ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है जैसे कि आपको पता ही है। तो ये बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंटल्स होते हैं यहाँ पे, जितनी भी ड्रम पैड जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके काम आता है, और काफ़ी जाना माना ये माइक है जितने भी बड़े लाइव साउंड वाले होते हैं यहाँ पे। चाहे क्वालिटी आपको अगर एक नंबर चाहिए तो इंस्ट्रूमेंट में ये माइक्रोफोन सबसे ऊपर निकल के आता है SM57। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है श्योर की,
और ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको मॉडल नंबर में मेंशन कर रखा है कुछ बड़े अक्षरों में, और ये कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे कुछ डिटेल के साथ आपको देखने को मिल जाता है, और इस साइड आपको कुछ डिटेलिंग देखने को मिलती है। ये MRP प्राइस भी आपको देखने को मिल जाता है, और ये यहाँ पे मॉडल नंबर के साथ आपको मेंशन कर रखा है। फटाफट से यहाँ से हम कुछ इस टाइप से ये कवर हटेगा। अगेन ये साई यानी शाह ऑडियो इन्फोटेक की तरफ से आता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से पूरा वाइट दे रखा है, और इसके अंदर आपको एक बबल रैपिंग देखने को मिल जाती है जिसमें आपको ये माइक्रोफोन देखने को मिलता है। ये देखिए, ये आता है इसका श्योर का माइक्रोफोन। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है SM57, ये मॉडल नंबर में मेंशन कर रखा है। ऊपर के ग्रिल आपको कुछ अलग टाइप से देखने को मिली है, क्योंकि बेसिकली दोस्तों ये है इंस्ट्रूमेंट माइक, और ये स्टिकर आपको देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनलिटी की पहचान देता है कि यहाँ ये श्योर की तरफ से आता है। इसके अंदर कोई भी फिजिकल स्विच नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे और कुछ बॉक्स कॉन्टेंट में हम देख लेते हैं। तो ये आपको एक ये माइक होल्डर देखने को मिल जाता है, अगेन ये श्योर की तरफ से आता है। और कुछ और देख लेते हैं हमारे इस बॉक्स में। पेबो वर्क्स के साथ आपको देखने को मिलता है, एक श्योर का आपको स्टिकर देखने को मिलता है जो कि आप कैबिनेट और फ्लैट केस दोनों में लगा सकते हैं। ये स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है जो कि वायर कैरी करने में मदद करती है, और ये श्योर का ये कैरी बैग जो कि आप इस माइक्रोफोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे कुछ और भी। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है वो भी श्योर का SM58। ये भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको वर्ल्ड वाइड फेमस है। अगर आप किसी सिंगर से किसी भी एक लेजेंड माइक्रोफोन जो चलाते हैं यहाँ पे एक हाई क्वालिटी का माइक्रोफोन की अगर रिकमेंडेशन दे तो ये नंबर वन पे आता है, यानी SM58 आपने सुना ही होगा। फटाफट से इसकी भी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। श्योर के यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे बड़े अक्षरों की टाइप से यहाँ पे आपको श्योर का SM58 यानी मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है। और ये यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आपको ये बॉक्स के साइड में डिटेलिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पे ये प्राइस के साथ MRP देखने को मिलती है। और मैं इसको खोलता हूँ तो देन यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ये स्टिकर देखने को मिल जाता है, बाकी ब्लैंक है बॉक्स यानी वाइट है। फटाफट से यहाँ से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। एक फिर से हमें बबल रैपिंग में देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है कि पैकिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है। यह आ जाता है हमारा माइक्रोफोन, अगेन ये श्योर, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्रांडिंग, यहाँ पे SM58 मेंशन कर रखा है मॉडल नंबर, और ये ओरिजिनलिटी की पहचान देता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये आपको हर माइक्रोफोन पे देखने को मिलेगा अगर श्योर का ओरिजिनल है तो। और ये यहाँ पे ये नीचे की XLR इनपुट आप देख सकते हैं। और भी बॉक्स कॉन्टेंट में हम देख लेते हैं क्या चीज़ें। कुछ यहाँ पे आपको पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं, साथ ही एक श्योर का आपको स्टिकर और यहाँ पे ये स्ट्रिप देखने को मिल जाता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये माइक होल्डर हो गया, ये भी श्योर की तरफ से, और श्योर का ये कैरी बैग हो गया। ये इसका कुछ बड़ा मुझे लगा, और ये यहाँ पे कुछ ऐसे। अब चलते हैं दोस्तों कुछ और डिटेल के बारे में इन्हीं माइक्रोफोन में। दोस्तों अभी तक आपने यहाँ पे देखी इन चारों की अनबॉक्सिंग, अब बात करते हैं हम यहाँ पे टेस्टिंग और कौन कौन सा माइक्रोफोन कहाँ कहाँ काम में आने वाला है, यहाँ पे रिकमेंडेशन कौन सी माइक्रोफोन की कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पे आप कौन सा माइक ज्यादातर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो माइक निकल जाते हैं, पहला आता है हमारा SM57, दूसरा माइक आता है SV100 जो कि दोनों का श्योर का माइक्रोफोन है। तो यहाँ पे ये वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन है। यहाँ पे मैं अब अगर बताऊं तो ये आता है SM57, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे फेमस माना जाता है, और यहाँ पे नंबर वन प्रायोरिटी पे इसी को दिया जाता है अगर आप इंस्ट्रूमेंट पे इसको यूज करना चाहते हैं। दूसरा जो माइक्रोफोन आता है वो बेसिकली आता है SV100। इसका रीजन ये है कि दोस्तों ये है मल्टीपर्पज माइक, तो यहाँ पे आप इसको सिंगिंग से लेके लाइव में कार्को यहाँ पे चाहे इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हो गए तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ये सब में काम आने वाला माइक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंगिंग और स्पेशल, अगर आप जैसे कार्को हो गया, लाइव हो गया, यहाँ पे आप गाना गाते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े शोज करते हैं माइक्स के लिए, तो यहाँ पे मैं सबसे नंबर वन पे रखना चाहूंगा अपने SM58 को जो कि श्योर का है। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, यहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये माइक्रोफोन कहीं पे भी मतलब लो क्वालिटी है, ऐसा कहीं पे भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। हर जगह आपको ये माइक्रोफोन नंबर वन प्रायोरिटी पे ही देखने को मिलेगा। तो ये माइक्रोफोन वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन कहा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। और दूसरी अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूं, अगर आप इससे छोटा थोड़ी यानी इसका हम कह सकते हैं छोटा भाई या छोटा ब्रदर भी आप कह सकते हैं, तो यह आता है हमारा PGA 58, तो इसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग की। तो दोस्तों टेस्टिंग पे अभी आपको जो ऑडियो मिल रही है वो मेरे यहाँ पे कॉलर माइक से नहीं मिल रही है, वो वहाँ पे DSLR पर माइक लगा हुआ है, वो माइक एक्चुअल में आपको मॉनिटर की जो ऑडियो है उसको कैच करेगा। तो यहाँ पे जो ऑडियो होगी वो मॉनिटर के आपको डायरेक्ट मिलेगी, और इसके बीच में कोई मैं मिक्सर कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, नो मिक्सर्स, ओनली यहाँ पे जो क्लियरिटी होगी वो आपको यहाँ पे माइक्रोफोन से मिलेगी, यानी चाहे इसके अंदर बेस ज्यादा हो चाहे बेस कम हो तो तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा माइक्रोफोन कैसा काम कर रहा है। अब चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं अपने SV100 को।
और इसके अंदर दोस्तों आपको एक फिजिकल स्विच देखने को मिलता है। हेलो, वन टू चेक। तो ये जो क्वालिटी है ये आ रही है SV100 की। यहाँ पे जो आपको लोज है, यहाँ पे जो हाई है वो अच्छी सुनाई देता है। यहाँ पे जो हाईज मेरे को अच्छी और लग रही है क्योंकि क्रिस्पी साउंड है यहाँ पे। तो इसकी क्वालिटी का आप सुन सकते हैं। और ये आप हैंडसेट को मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर कितना आपको जो नॉइजी है वो क्या देखने को मिलता है। तो ये है इसकी क्वालिटी। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे श्योर के SM57 को एक बार चेक कर लेते हैं। सेम वॉल्यूम है दोस्तों। और ये आता है हमारा श्योर का SM57। इसकी क्वालिटी को आप सुन सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट पे काम आता है और यहाँ पे इसकी क्वालिटी है। इसको मैं एक बार हैंडशेक करके दिखाता हूँ यहाँ पे कितना नॉइजी देता है हमें ये। तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे श्योर के SM58 को एक बार ही देख लेते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों आपको फिजिकल स्विच नहीं देखने को मिलेगा। और क्या क्वालिटी है, मतलब जो आवाज है उसके अंदर मधुर सी सॉफ्टनेस सी जो फीलिंग होती है वो आ गई है। सेम चीज है, सब कुछ सेटअप वही है लेकिन माइक सिर्फ चेंज है। मतलब मैं तारीफ जितनी करूँ उस माइक्रोफोन की उतनी कम है। और ये क्वालिटी आप सुन सकते हैं। इसके अंदर सारी चीजें आपको बिल्कुल बेहतरीन देखने को मिलती है, मिड लो हाई। और अभी मैं आपको हैंडशेक करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको कितना नॉइज देखने को मिलता है इसके साथ। चलते हैं हमारे यहाँ पे PGA58 को भी एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर आपको एक दोस्तों फिजिकल स्विच देखने को मिलता है जो कि ऑन ऑफ का है, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। हेलो, वन टू चेक। इसके अंदर दोस्तों मिड हाई बहुत ही बढ़िया मेरे को सुनाई दे रही है यहाँ पे, कि मिड हाई की क्वालिटी बिल्कुल अलग है। और ये आप क्वालिटी PGA58 की सुन सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे इसको हम हैंड चेक करके देखते हैं कि क्या हमें क्वालिटी देता है। तो ये है हैंड चेक की क्वालिटी। और ओवरऑल यहाँ पे ये सारे माइक्रोफोन मुझे अच्छे लगे। अब चलते हैं यहाँ पे इसकी डिटेल देख लेते हैं, कहाँ से अवेलेबल होगा, क्या प्राइस, कैसे पता कर सकते हैं, और ये सारे ओरिजिनल माइक्रोफोन आपको कहाँ मिल सकते हैं। दोस्तों कैसे लगी आपको ये माइक्रोफोन की टेस्टिंग और अनबॉक्सिंग, जरूर से नीचे कमेंट में बताएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ये माइक्रोफोन आप कैसे परचेज करें। तो दोस्तों ये जो माइक्रोफोन्स हैं वो आपको सारे मिलेंगे अहमदाबाद शाह और इन्फोटेक पे। तो यहाँ पे सारे जो माइक्रोफोन है वो सारे आपको ओरिजिनल यही मिलेंगे। साथ के साथ यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ डिटेल की। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं ये कार्ड है सऑडियो इन्फोटेक, यहाँ पे आपको मेंशन भी हो रहा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल दे रखी है, फोन नंबर भी मेंशन कर रखा है, तो आप जाके प्राइस भी पता कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये सर्विस सेंटर भी यहीं पे आपको मिल जाएगा सऑडियो इन्फोटेक पे ही, तो आप जाके जरूर विजिट करें। या चाहे तो आप इसको कुरियर करके भी मंगा सकते हैं क्योंकि इसकी जो पैकिंग है वो काफी अच्छी है और कॉम्पैक्ट है, तो इसलिए आप इसको ऑल ओवर इंडिया भी मंगा सकते हैं। और बेसिकली दोस्तों आपको कैसे लगी वीडियो मुझे जरूर नीचे कमेंट बताना है, टेस्टिंग कैसे लगी वो भी जरूर से नीचे कमेंट बता के जाइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। इस चैनल को जो सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।